तो चलिए घर चलते हैं। चलिए चलिए तो प्रिंस के घर चला जाए। प्रिंस ये बताइए कि यहाँ पर कितने देर रुकते हैं? रोज आते हैं यहाँ पर? हाँ जी यहाँ पर रोज आते हैं। यही था ना बोरवेल जो था जहाँ पर आप गिरे थे, इसी तरफ? और स्कूल रोज जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, और घर पे कौन कौन है अभी? मम्मी पापा? मम्मी पापा और बहन भाई। अच्छा ये बताइए लोग अभी मिलने आते हैं आपसे बाहर से? कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी देखने आते हैं। क्या कहते हैं आपको देख के? बोलते हैं कि ये भाई प्रिंस है? हाँ जी। यहाँ तो बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। ये कौन है ये जो सामने बैठे हुए हैं प्रिंस? मेरा अंग्रेज है। ये अंग्रेज है? हाँ जी। वही अंग्रेज जिसने बाल पकड़े थे आपके? हाँ जी। क्या हुआ था? प्रिंस दुकान पे जा रहा था, दुकान में से चोरी निकली और प्रिंस चोरी के पीछे लग गया, बोर में गिर गया। तो आपने क्या किया था उस दिन? प्रिंस की बाल और बाल बाल पकड़ लिए थे तो बाल हाथ में नहीं आ पाए तो नीचे निकल गया। और अब मिलिए प्रिंस। ये है प्रिंस। 7 साल में प्रिंस बिल्कुल बदल चुका है और उसके साथ ही बदल चुकी है उसकी किस्मत। 60 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकला प्रिंस अब मुफलिसी के कुएं में गिर गया है। वो प्रिंस जिसे कोई अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता था, वो प्रिंस जो रातों रात हर किसी की आंखों का तारा बन गया, आज वही तारा जमीन पर। जिस प्रिंस को 7 साल पहले बस देखने और छूने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते थे, आज वो प्रिंस बंद हो चुके उसी कुएं के पास अकेला बैठा मिलता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कुएं में गिर गया था इसे इतना याद रहता है? ये याद नहीं आता जब अंदर गिरे थे तब इतने घंटे तक ना कुछ सांस लेने में परेशानी हो रही थी, कैसे ली थी सांस? कुछ ध्यान है उस समय का? कुछ ध्यान नहीं है? हाँ जी। बस इतना पता है कि कुएं में गिरा था मैं। प्रिंस को कुछ याद हो ना हो लेकिन इतना जरूर याद है कि मुंबई जाने पर उस वक्त सनी देओल ने साइकिल गिफ्ट में दी थी। किसका? सनी देओल ने जो मुझे साइकिल दी थी। किसने साइकिल दी थी? सनी देओल ने। सनी देओल ने। अच्छा उन्होंने साइकिल दी थी। प्रिंस के घर के हालात भी काफी खराब हैं। प्रिंस के बचने के बाद जो पैसा मिला उसे प्रिंस के पिता रामचंद्र ने कच्ची छत को पक्का कराने में लगा दिया, लेकिन अब घर की दीवारें गरीबी को छुपाने का पर्दा तक नहीं बन पा रही। जो उस वक्त मिला घर में वही रखा है। 2006 के बाद बना प्रिंस का छोटा सा महल अब खंडर में तब्दील होने लगा है। डैडी मजदूरी कर रहे जी बाबूजी। डैडी मजदूरी कर रहे? हाँ, डंगरा वगास पूस पे रहे जी बाबूजी। अच्छा, सिर से खर्चा कर रहे जी। ये बताइए कि उस समय तो बहुत सारी चीजें हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, कुछ पैसा वैसा मिला था आपको? पैसा ना जी, सब ने वादे किए दिए नहीं पैसे। पैसा नहीं मिल पाया? हाँ जी। तो अब प्रिंस की पढ़ाई हो पा रही है ढंग से? ना जी। प्रिंस गड्ढे में गिरा था उस वक्त, बहुत लोगों ने, दुनिया भर से लोग आए थे, दुनिया भर से लोग आपको बात करना चाह रहे थे, प्रिंस को देखना चाह रहे थे। अब लोगों को प्रिंस याद है क्या? अब लोग आते हैं प्रिंस को देखने के लिए? ये भी आते बाबू जी, आते नहीं देखने के लिए, लग रहा है भूल गए। हाँ जी भूल गए जी, पुराना रिकॉर्ड हो गया जी बाबू जी, पुराना रिकॉर्ड हो गया। हाँ जी। प्रिंस अब सिर्फ नाम का प्रिंस है। प्रिंस अपने और अपने भाई बहनों के लिए सबसे मदद मांग रहा है जी। कपड़े, ड्रेस पटी होती है, जूते पटे होते हैं और उसका कपड़ों में प्रेस नहीं हो पाती है। हाँ जी। क्यों? पैसे की दिक्कत है? हाँ जी। इसलिए मैं फौजी में काम करूं। इसलिए क्या करते हैं? डैडी खेती बाड़ी में काम लगे रहते हैं। डैडी आपकी खेती काम करते हैं? पैसे में तंगी है। पैसे की तंगी रहती है? हाँ जी। कुछ पैसा मिल जाएगा मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ा कर मैं फौजी बन जाऊंगा। 2006 में जब प्रिंस गिरा था उस वक्त उसकी उम्र 6 साल थी। उस वक्त प्रिंस ढंग से बोल नहीं पाता था। चर्चा ये भी हुई कि प्रिंस दिमागी तौर पर कमजोर था, इस वजह से नहीं समझ सका कि वो कहां गिरा, किस हाल में है, और शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए।
नहीं, प्रिंस हमारा बहुत अच्छा बच्चा है, विद्यार्थी है, हमारी उम्मीद से काफ़ी अच्छा है। जैसे इसके हमने नाम सुना था, मैथ में काफ़ी अच्छा है, सचमुच में काफ़ी अच्छा है। मुझे उम्मीद थी है, मतलब शायद इतना ना हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी अच्छा है मैथ। प्रिंस दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन अपनी क्लास में हर सब्जेक्ट में आगे रहने वाला प्रिंस क्यों पीछे और अकेला बैठता है? क्या प्रिंस की गरीबी ने उसे यहाँ भी पीछे कर दिया है? अभी ये काफ़ी कमी है इसमें, इसके ड्रेसेस वगैरह हैं कई बार फटी होती हैं, कई बार जूते नहीं होते इसके पास। 7 साल पहले उस गहरे गड्ढे में गिरे प्रिंस ने हार नहीं मानी थी, आज गरीबी के कुएं में गिरा प्रिंस फिर लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी बच्चों के सामने फटी ड्रेस और टूटे हुए जूतों की टीस इस बच्चे को रह रहकर अंदर तक हिला देती है। और पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? फौजी। क्यों फौजी को बनना चाहते हैं? फौजी ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए फौजी बनना है। प्रिंस पढ़ना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन गरीबी की दीवार उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। नन्हे प्रिंस ने 7 साल में कई बड़े झटके सहे। 21 जुलाई 2006 को प्रिंस जब बोरवेल में गिरा तो सबसे बुरा हाल उसकी मां करमजीत का था। बाहर आने के बाद प्रिंस जब भी नजर आया हमेशा अपनी मां के आंचल के साए में, लेकिन वही मां अचानक प्रिंस को छोड़कर चली गई। पड़ोसी कहते हैं जाते जाते प्रिंस को मिले मेडल भी मिल गए। इस घटना ने प्रिंस को अंदर तक हिला दिया, गरीबी और हालात ने प्रिंस को उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया। वो सब जानता है, इसलिए अब अपनी माँ के बारे में बात नहीं करना चाहता। और आपकी मम्मी भी चली गई? याद आती उनकी? नहीं आती। वैसे प्रिंस को अब नई माँ मिल गई है, प्रिंस नई माँ के साथ खुश है, और पूनम को इस बात का गर्व कि जिस बच्चे के बारे में कभी उसने सुना था अब वो उसका बेटा है। अब इन बच्चों को बिल्कुल अपनी माँ की कमी नहीं होने देती? नहीं जी, खुश हैं बच्चे सब। बच्चे आपसे खुश हैं? हाँ जी। और आप बच्चों से खुश? हाँ जी। लेकिन रिश्तों के ताने बाने के बीच प्रिंस की जिंदगी गरीबी के जाल में उलझी हुई है। प्रिंस के पिता बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं, बमुश्किल घर चलाने लायक पैसा बचता है। बड़े हो चुके प्रिंस ने पिता की जिम्मेदारियों में अभी से हाथ बटाना शुरू कर दिया है। तब की धूप में काम के साथ साथ प्रिंस के पिता रामचंद्र प्रिंस को दुनियादारी भी सिखाते हैं। प्रिंस के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि ये दुनिया जितना वक्त किसी को सिर आंखों पर बैठाने में लगाती है उससे भी कम वक्त में वो उसे भूल भी जाती है। कभी मौत को मात देने वाला प्रिंस आज गरीबी के हाथों हार गया। मौत के गहरे गड्ढे से निकलकर प्रिंस एक बार फिर अंधेरे काले गहरे मुफलिसी के कुएं में गिर गया। तकदीर ने फिर बता दिया कि मौत के सामने प्रिंस भले ही प्रिंस हो लेकिन जिंदगी प्रिंस के लिए आज भी संघर्षों का कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र से अपने सहयोगी पवन कुमार के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया।